दोस्तों हमारे आसपास सब एक सिस्टम में काम करता है। जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूमती है जिससे दिन रात होता है, सूर्य के चक्कर लगाती है जिससे मौसम में परिवर्तन होता है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी को एस्ट्रॉयड जैसे खतरे से बचाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर भी होता है। हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यह सब कुछ एक बाउंड्रीलेस जगह पर हो रहा है जिसे हम स्पेस कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्पेस क्या है, क्या यह कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या ये इवन एग्जिस्ट भी करता है। मेरा नाम है सौरभ कुमार, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों स्पेस का एक सिंपल मीनिंग होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। स्पेस सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि यह हर जगह है। एक एटम के अंदर भी 99% एम्प्टी होता है, यानी बुर्ज खलीफा टावर में से हम एम्प्टी स्पेस निकाल दें तो वह सिर्फ एक चावल के दाने जितना छोटा हो जाएगा जिसका वजन हजारों किलो होगा। तो आखिर यह स्पेस है क्या? फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्पेस 3-डाइमेंशनल बाउंड्रीलेस है, मतलब इसका बाउंड्री कहाँ तक है हमें नहीं पता। क्या पता ऐसे कई स्पेस हों जो आपस में जुड़े हों, पर एग्जैक्ट इसके बारे में हमें कोई भी खास जानकारी नहीं है। दोस्तों नेचर के कई लॉज हैं जिनमें से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट पैदा होता है उसे एक दिन मरना पड़ता है, और यह सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी लागू होता है। जैसे जब कोई प्लेनेट या स्टार जन्म लेता है तो एक समय बाद अपने ही लाइफ के सोर्स को ख़त्म कर लेता है और उसके बाद वह भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही इस स्पेस में जो कुछ भी है, जैसे प्लेनेट, स्टार्स, नेबुला, ब्लैक होल, गैलेक्सी एसेट्रा, सब खत्म हो जाएगा, पर यह स्पेस जैसे पहले था वैसा ही रहेगा या नहीं मरेगा, क्योंकि यह कभी जन्मा ही नहीं था। ऐसे में एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या स्पेस एग्जिस्ट भी करता है, या फिर हम सब जिस चीज़ के अंदर में रह रहे हैं वो बस एक भ्रम है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जहाँ सांस लेने लायक हवा और पर्याप्त ग्रेविटी नहीं है, वहाँ से शुरुआत होता है स्पेस का। दोस्तों स्पेस कंप्लीट वैक्यूम है, यानी यहाँ आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। हम मैटर्स में हो रहे वाइब्रेशन के जरिए साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर स्पेस के एक्सपेंशन के कारण सभी मैटर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ इस बाउंड्री को भी और बड़ा कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे यूनिवर्स हमारा बड़ा हो रहा है, ये जो स्पेस की बाउंड्रीज अगर हुई तो वो भी बड़ी हो रही हैं और हमसे दूर जा रही हैं। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी और टाइम को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि स्पेस एक चादर की तरह है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जितना डेंस यानी कि जितना भारी होगा वो अपने आसपास के चादर को अपनी ओर उतनी ही तेज़ी से खींचेगा। उस जगह पर ग्रेविटी बढ़ जाएगा और टाइम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस को एक इनविजिबल फील्ड की तरह यूज़ किया गया है जिस पर हम सब हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक इनविजिबल 4-डाइमेंशनल है। क्या यह इनफाइनाइट है या फिर इसकी भी कोई बाउंड्री है, हमें नहीं पता। स्पेस के पास अपना कोई ग्रेविटी नहीं है, इसमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी है। तो ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि क्या हम स्पेस में एक जगह पर स्टेबल हैं या फिर हम फ्री फॉल सिचुएशन में है, यानी कि नीचे की ओर गिर रहे हैं। और फन फैक्ट तो यह है कि अगर हम गिर रहे हैं तो हमें यह बताना भी मुश्किल होगा कि हम किस डायरेक्शन में गिर रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं, नीचे, दाएं, बाएं, किस तरफ। दोस्तों यहाँ हर चीज़ ही मिस्टीरियस है, और अगर आपको और मिस्ट्री जानना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। मैं मिस्ट्रियस फैक्ट्स के नेम से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ आपको इस स्पेस से जुड़ी सभी मिस्टीरियस फैक्ट्स मालूम चल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फील फ्री इन कमेंट बॉक्स, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो अभी जाओ सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करो यार। अगर आपको और कोई नया अपडेट जानना है तो मैं आपको दे दूंगा। अगर न्यू अपडेट के लिए जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।